Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Sathiyo. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. Sathiyo, aapko humare poetry ke past paper ki discussion bahut pasand aayi aur is discussion ke baad aapko drama, criticism, linguistic aur novel ke bhi past paper ki discussion chahiye. इस लिहाज से हम ड्रामा की डिस्कशन लेके आए हैं और इससे पहले मैं आपको कुछ लाइंस देना चाहती हूँ जो आपने चेंज कर करके लिखनी है आरटीसी के क्वेश्चन को कवर करने के लिए. बहुत इजी लाइंस है, जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ. दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम, नाम लिखना है आपने उस आइटम का, वो क्या है, वो किस जॉनरा से ताल्लुक रखता है, पोइम है, ड्रामा है, एपिक है, ओड है, सोनेट है, या इसके अलावा वो नावल है या प्ले है, कुछ भी है आपने वो लिखना है. लेकिन नावल की तो है नहीं चाहिए आपको, प्ले की चाहिए और पोइट्री की चाहिए. पहली अगर आपने लाइन लिखनी है ऐसी लिखेंगे, दूसरी दफा देखेंगे दीज लाइन्स आर द पार्ट ऑफ, ये लाइन आप चेंज करेंगे क्योंकि एक पेपर में आपने इस क्वेश्चन को फोर के लिए यूज करना है पोइट्री में, और ड्रामा के लिए तीन यूज करेंगे आप लाइन्स का इस्तेमाल करेंगे, तो डिफरेंट लगाएंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट करता है. दिस मास्टरपीस इज रिटन बाय, राइटर का नाम लिखें, आगे लिखें दीज हाईली एट्रीब्यूटेड, बहुत आला लाइनें जो जनाब लिखी गई हैं, वेल चेरिश्ड, और बड़ी खुशगवार हैंड राइटिंग है या बड़ी खुशगवार किस्म का हमें तासुर देती है, और अनएक्सील्ड, सबसे बेहतर है, फिलोसॉफिकल, बड़ी फिलोसफियाना लाइन्स हैं, और किसका पार्ट है आगे नाम लिखेंगे उसका, दिस मास्टरपीस is this masterpiece is originated by, writer ka naam de de. These given lines are the extract, extract batayenge janab ye hissa hai kiska hai, which is originated by the great poet, drama writer, novelist, dramatist, kuch bhi likha novelist mein se maine likha hai bazu ka, agar aapne kisi novelist ka kabhi hawala dena ho to, lekin novelist ka hawala dena nahi hai, dramatist aur poet ka hi hawala dena hai. देन ऐड करें, अब आपने क्या ऐड करना है, उसका एज ऐड करना है, उसकी सेंचुरी ऐड करनी है, उसका पीरियड ऐड करना है, उसका स्टाइल ऐड करना है. अच्छा, एज क्या होती है, एज बतानी है आपने, रोमांटिक एज है वो कौन सी, विक्टोरियन एज है, एलिजाबेथियन एज है, पीरियड कौन सा चल रहा है, अभी भी आपने एज में ही शामिल करना है, सेंचुरी कौन सी चल रही है, 20th century है, और एंड ऑफ द 19th century है, या ये 16th century कहाँ से लिया गया है, स्टाइल क्या है राइटर का, राइटर कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, किस तरह से वो लिखता है, वो सोशल इशू उठाता है, वो माशरे के हमें बुराइयाँ बताता है, वो बिब्लिकल थीम लेता है, वो जाकर नेचर से बातें रिलेटेड करता है, सोशल स्टेटस क्या बनाता है वो अपना, जानरा क्या है, जानरा साथियों होती है किसी भी किस्म की, जिसे कहते हैं ना कि कैटेगरी बतानी कि जनाब ये इसकी जेनर क्या हो सकती है, ये पोइट्री है, ये एपिक है, ये ड्रामा है, ये प्ले है, ये क्या है, लैंग्वेज क्या इसमें यूज की गई है, राइटर ने क्या हमें बताना चाहा है, और अगर ये हमारी चीजें ट्रांसलेटेड है तो मेंशन करें कहाँ से ट्रांसलेशन ली गई है, क्योंकि अक्सर जो चार ड्रामा है मैंने उसके जरा पॉइंट निकाले हैं. अगर हम देखते हैं गैलीलियो, गैलीलियो जर्मन प्ले राइट्स का है, यानी जर्मन जुबान का है. वेटिंग फॉर गॉडो देखते हैं तो फ्रेंच का है, ये ड्रामा फ्रेंच जुबान से ट्रांसलेशन होके आया है, ये कोई भी ड्रामा हमारे पास इंग्लिश का नहीं है. एंटोन चेखव देखते हैं तो रशिया का वो है राइटर, रशियन है वो प्ले राइटर. हैडा को देखते हैं तो नॉर्वे का है प्ले, ये वाला प्ले, तो ये सब इंग्लिश जुबान से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इनकी जुबानें इनके इलाकों की जुबानें हैं. हैडा की जुबान नॉर्वेजियन की तो डेनिश थी, और बाकी जो उनके जर्मन के हिसाब से, रशिया के हिसाब से, फ्रेंच के हिसाब से उनकी जुबानें निकालनी पड़ेंगी कि बाबा ये कौन कौन सी जुबान से ताल्लुक रखते हैं. अगर इसका आपको इम्पैक्ट पड़ जाता है ना उसके ऊपर, राइटर के ऊपर, तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं, सिर्फ 2019 का पेपर आज डिस्कस करूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आपको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे दी जाएँ. फोर करने हैं आपने यहाँ से क्वेश्चंस और सबके इक्वल मार्क्स हैं. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ इन्होंने कर दिया जनाब एनी थ्री, वाओ यहाँ पर थ्री है. द जर्नी विल बी अ लॉन्ग वन, ये सफर बड़ा लंबा हो जाएगा, अ लॉन्ग वन जर्नी, बहुत ही लंबा हो जाएगा. आई हैव जस्ट केम टू अ स्टॉपिंग प्लेस, मैं तो भी एक स्टेशन पर आई हूँ, ऑन द लाइन जो कि इस कितार में चल रहा है. किसने कही ये लाइनें, हमारी हैडा ने कही, हैडा की जर्नी स्टार्ट हुई है, क्यों, हैडा हनीमून से वापस आई है और उसकी जर्नी लाइफ की अभी फिनिश नहीं हुई है, लाइफ की जर्नी बाकी है, और हैडा ने किससे कहा, जज ब्रेक से कहा, ये डिफाइन कहाँ पर किया गया है, एक्ट वन में जब वो रिटर्न हुई है उससे हनीमून से, और फिर एक्ट टू में जब जज ब्रेक आता है तो एक्ट टू में ये जज ब्रेक को बताती है, और ये बताती है उसको कि क्योंकि वो इसकी क्लास का बंदा है जो उससे बात करके तसल्ली महसूस करती है,
उससे बताती है अपने राज, क्योंकि बाकियों को ये समझती है कि वो इसके स्टेटस के नहीं है, अपने दिल के राज उसको बताती है और एंड में उसी से ही धोखा खाती है। अब इसने बताया है कि जनाब इस वक्त शादी मेरे लिए जरूरी हो गई थी, यहाँ पे बतानी है हेडा की सारी सिचुएशन बताएंगे भी जनाब क्यों उसने शादी की, क्योंकि उसके उसका टाइम अप हो रहा था, उसकी एज गुजर रही थी और नॉर्वेजियन सोसाइटी में औरतों की उम्र गुजरने के बाद उनसे कोई शादी ना करता, उन्हें क्या बनना पड़ता, उन्हें मेड बनना पड़ता, नीनी बनना पड़ता, या जैसे हमारी आंट जो जो और रीना है बगैर शादी के ही रहना पड़ता। अगर इन लोगों को ऐसे देखें, वहां पर बताएंगे जनाब मेल डोमिनेशन है उन पे, पेट्रार्चियन सेटअप है और बोर्जुआ सोसाइटी और हनीमून और इसकी क्लास डिफरेंस बताएंगे। आई नेवर मेट, बी पर आ गया, आई नेवर मेट सच फ्रिवोलियस पीपल। ये जनाब आपको यहीं से पता चल गया कि मैं ऐसे बेकार लोगों से आज तक नहीं मिला, एज यू बिफोर, पहले तुमसे पहले मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलाया, और एनीबॉडी सो नॉन बिजनेस, और ऐसे लोग जिनके पास कोई काम ही नहीं है, एंड पिक्यूलियर अजीब गरीब, हेयर आई एम टेलिंग यू इन प्लेन लैंग्वेज, सादी जबान में बता रहा हूँ, ये अभी हम कर रहे हैं इसके टेक्स्ट को, एंड योर स्टेट विल बी सोल्ड, स्टेट हमारा कीवर्ड निकल आया, स्टेट विल बी सोल्ड, आपकी ये बिक जाएगी रियासतें, एंड यू डोंट सीम टू अंडरस्टैंड, और लगता है आपको समझ नहीं आ रही। चेरी ऑर्चर्ड बताएंगे, एंटम चीहो का बताएंगे, एक्ट टू में बातें हो रही हैं, स्पोकन बाय लोफाकिन है, किसको, मैडम रेनविस्की को कह रहा है, और मैडम रेनविस्की की थोड़ी सी हमने देनी है रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में बातें बतानी है कि वो आई है फ्रांस से, रिटर्न हुई है आफ्टर 5 ईयर्स के बाद, क्योंकि डेथ हो गई उसके हस्बैंड की और उसके सन की, तो वो छोड़कर चली गई थी। करेक्टर डिस्कस करेंगे लोफाकिन का, कि लोफाकिन ने अपने प्लेन जुबान में बताया है, लोफाकिन का बिहेवियर, उसका एक्शन, उसका घड़ी को बार बार देखना, उसके टाइम की कदर करना, और वो एक बिजनेसमैन है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा एक्सप्लेनेशन में लोफाकिन के करेक्टर के साथ साथ घर की सिचुएशन और हालात डिस्कस हो जाएंगे। सी पे आ जाए, हैव यू नॉट डन टॉर्मेंटिंग मी विद योर अकर्स्ड टाइम, अब क्या कह रहे हैं कि क्या तुमने मुझे मजीद तशद्दुद में नहीं मुबतला किया अपने इस बेकार और वक्त के बारे में बात करके, जब ये टाइम आ गया ना तो टाइम को अंडरलाइन कर लेंगे, ये टाइम हमारा की वर्ड है, इट इज अबिनिम अबमिनेबल, ये बड़ी हकीर बात है, बड़ी मकरूह किस्म की बात तुमने कर डाली कि मुझसे पूछ लिया वक्त के बारे में, वेन वन डे, एक दिन, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर भी हमारा कीवर्ड है वन डे, इज दैट नॉट एनफ फॉर यू, एक दिन तुम्हारे लिए काफी नहीं है। अब ये किसने कहा जनाब, वेटिंग फॉर गोडो की बात हो रही है, सैमुअल बेकेट है इसके राइटर, और एक्ट टू में बात हो रही है, दो ही तो एक्ट है इस प्ले के, स्पोकन बाय पोजो, पोजो ने कहा, और सिम्बोलिक यहाँ पर बात उसने टाइम की यूज की, वो कहता है कि टाइम जो है ना ये हाथ में नहीं रहता, ये गुजर जाता है, और इसमें आपने पोजो के करेक्टर को डिस्कस करना है, पोजो किसको कह रहा है, व्लादिमीर को कह रहा है, व्लादिमीर ने उसे रोका था, उसे पूछा था टाइम के बारे में। इसके बाद एस्ट्रागोन व्लादिमीर का करेक्टर एक्सप्लेनेशन में कुछ डिस्कस करेंगे, उनके बताएंगे कि ये अपने करेक्टर्स में किस किस्म की बातें कर रहे थे, मीनिंगलेसनेस थी यहाँ पर, ट्रेवलिटी थी, और इनकी एक्टिविटीज जो लाइफ में हो रही थी बेकार थी, यहीं पर बात टाइम की चल रही थी। और राइटर को आपने बताना है कि जनाब इसने हमें यहाँ पर बताया है कि किसी की भी कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं है, पोजो यहाँ आया, पोजो अपना नाम भी भूल चुका है, पोजो जानता ही नहीं ये लोग कौन है, कब पिछले दिन इनसे मिला है, यानी नो स्पेशल आइडेंटिटी, और पोजो को अपना भी नाम याद नहीं है, पोजो को इनका तो याद ही नहीं, अपना भी नहीं याद है, याद है इस तरह उसे क्या कहता है, एबल और केन कह के उसे बुलाता है, लेकिन वो उसको जवाब नहीं देता है। और बताना चाहते हैं कि जनाब एक दिन काफ़ी है, एक दिन जो अगले दिन बदल जाता है दूसरे दिन में, और जिंदगी बहुत पेनफुल है, इतनी छोटी सी लाइनों में बुरा मतलब निकाल दीजिए, एक्सप्लेनेशन में डिस्कस हो जाएगी। आगे चलते हैं, दे लुक एट मी, उन्होंने मुझे देखा, एज इफ आई एम अ डेंजरस एनिमल, जैसे मैं कोई खतरनाक किस्म का एनिमल हूँ, दे हैव टू पैट, उन्होंने मुझे थपकी दी, उन्होंने मुझे थपथपाया, ये सी के लाइन्स है, और एडवर्ड बॉन्ड का लिखा हुआ है, और स्पोकन बाय रोज है टू विली, उसने विली से कहा कहा था, क्योंकि तहकीकात में ऐसा क्यों हुआ, कैसे मरा, ये कह रहे हैं कि मरने पर क्यों तहकीकात होती है, उन्होंने मुझे देखा तहकीकात के लिए, लेकिन क्यों पैदा होने पर क्यों नहीं तहकीकात होती है, हर वक्त मरने पर भी होती है, और वो लोग मुझे जंगली समझते हैं, यानी उसने कहा है ना कि डेंजर समझते हैं मुझे, जंगली समझते हैं, ये आप बताएंगे। और उसके लिए उसने कहा कि मैं माफी मांगती हूँ, कि
मैं किसी पर हमला तो नहीं करने वाली, लेकिन फिर भी मुझे थपकी देते हैं और आवाजें ऐसी आती हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकती। ये मिसेज रोज सारे करेक्टर को डिफाइन करेंगे। आगे चलेंगे ई में, एंड सिंस आवर शिप बिगेन सेलिंग, हमारे शिप अब शुरू कर रहे हैं सफर करना, टू देम द लॉफिंग कॉन्टिनेंट्स, वो जो कॉन्टिनेंट्स जो उन पर कुछ समझ ही नहीं जाता था, हैज गॉट द मैसेज, उनके पास तो मैसेज था, द ग्रेट ओशंस दे फियर, बड़े बड़े दरियाओं से वो डरते थे, दरियाओं को अंडरलाइन करेंगे, और इज अ लिटल हर्डल, अब छोटे छोटे तालाब लगते हैं बड़े बड़े दरिया, क्योंकि सफर छोटा हो गया, लोगों ने अंदर जाना शुरू कर दिया सफर के गहराइयों में, एंड अ वास्ट डिजायर, और बहुत बड़ी ख्वाहिश क्या थी, हैज स्प्रंग अप टू नो द रीजंस, ख्वाहिश अब जागी है, वो वजूहात को जानना चाहती है, फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए, व्हाई अ स्टोन फॉल्स, क्यों एक पत्थर गिरता है, व्हेन यू लेट इट गो, जब आप उसे छोड़ देते हैं, एंड व्हाई इट रेजेस, व्हेन यू टॉस इट अप, जब आप इसे ऊपर को उछालते हैं तो क्यों होता है, यहीं से पता चल गया, पत्थर गिरने और पत्थर के उछालने से आपको पता चल गया ये कौन है, ये आपका कीवर्ड हो गया। द लाइफ ऑफ गैलीलियो है, बर्टोल्ड ब्रेशट का लिखा हुआ प्ले है, और गैलीलियो एक्सप्लेन कर रहा है पेटलोमिक सिस्टम को, किसको बता रहा है पेटलोमिक सिस्टम को, एंड्रिया को बता रहा है, अपनी थ्योरी बता रहा है कि ओल्ड थ्योरी में ये होता था, न्यू थ्योरी में ये हो रहा है, और एंड्रिया बताएंगे आपके वो सारथी का बेटा है जो इसकी होम में था, बताएंगे जनाब उसका, उसको बताया है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूमती है, जो पीपल्स हैं वो लॉजिकल हो चुके हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं कि क्यों पत्थर गिरते हैं, क्यों ऊपर को उठते हैं, और फिर जब बाद में जमीन को आते हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, और डिस्कवरीज को और जरूरत है, और होने की जरूरत है। कुछ बैकग्राउंड देंगे और कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा डन हो जाएगा। आगे चलते हैं जनाब, इब्सन की बात चल रही है, व्हाट स्टेंस डस इब्सन टेक अबाउट सेक्स एंड मैरिजेस इन हेडा, हेडा की बात हो रही है। अब यहाँ पर अगर चलते हैं तो आपने मैरिजेस को डिफाइन करना है, किसकी मैरिज है, हेडा की मैरिज है किसके साथ, टेसमैन के साथ, जो कि कोई मैरिज ही नहीं है, थिया की मैरिज है किसके साथ, थिया की मैरिज मिस्टर एलिस्टर्स के साथ है, और वो मिसेज एलवेस्टिस कहलाती है, उसको भी अपने शोहर के साथ कोई सुकून कोई तसली नहीं है। इसके साथ हर साथ हमने यही बताना है कि औरतें ओवर एज हो जाती थी, उनकी वजूहत होती थी, वो शादी नहीं कर पाती थी, जैसे आंट रीना और आंट जो रह गई ओवर एज हो गई, बर्था जो है इनके घर की मुलाजमा हो गई, औरतों के पास कोई और वो नहीं था इशू, तो वो ऐसे ही करती थी कि शादी कर लेती थी, या हैडर ने क्या किया, हैडर ने भी शादी की उस शख्स के साथ जिसको वो पसंद नहीं करती थी, सिर्फ इसलिए कि हर टाइम वाज गोइंग अप, उसका टाइम फिनिश हो रहा था, उसने शादी कर ली। क्लास डिफरेंस के इशू को उठाएंगे इस ड्रामे का, वही मेन इशू बनता है, और उसके बताएंगे जनाब उसके एटीट्यूड थे, स्पूरियर एटीट्यूड थे, हैडर का करेक्टर भी आ जाएगा, थिया का करेक्टर भी आएगा, टेस्टमेंट को भी हम डिफाइन करेंगे कि वो एक ऐसा हस्बैंड था जो मिसफिट था, मिसमैच मैरिज थी ये, और फिर हमने ब्रेक के एक्सप्लेन करने हैं पॉइंट कि ब्रेक जो था वो इस तरह की मैरिजेस को जो सेक्सुअल यूजेस के लिए भी यूज करना चाहता था, वो चाहता था कि भाई जिन जिनकी मैरिज खराब है वहां जाके वो ट्राई एंगुलर रिलेशन देता है, और वो अपने आप को कहता है कि भाई मैं तसल्ली रहता हूँ उन घरों में जहाँ सुकून नहीं होता है। हैडा का करेक्टर, टेस्मैन का करेक्टर, आंट जोजो का करेक्टर, इसके साथ दानिया को लगाएं, वो मैडम मोजेल दानिया जो थी, डाइना, वो डाइना को बताएंगे कि जनाब वो मैरिज नहीं कर पाई क्योंकि सोसाइटी ने उसको कोई दिया ही नहीं और वो आज़ाद हो गई और वो सेक्सुअल के दूसरे मफहूम की तरफ चले गए। सब मैरिज में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। लोफाकिन की आ जाएंगे जनाब, वट स्लेट ऑफ फीलिंग, उसका किरदार आ गया सीधा, लोफाकिन का करेक्टर लग रहा है, नो लेस फीलिंग, कोई भी उसमें जो थी दिल को भाने वाली बात नहीं थी, देम द इग्नोरेंस ऑफ एंड द स्टुपिडिटी ऑफ द आउटडेटेड एरिस्टोक्रेटिक, स्टुपिडिटी वही स्टुपिडिटी क्या हो गया, बड़े स्टुपिड किस्म के हैं, बड़े बेकार किस्म के हैं और बड़े नजरअंदाज करने वाले हैं, कौन लोग, वही लोग जो फ्यूडल थे, वही लोग जो अमीर थे, उनकी पुरानी ही बातें उन्हें चिपकी पड़ी हैं, वहीं पर ही बैठे हुए हैं, अभी हमने वही जिंदगी गुजारी है, हमने वही रहना है, हमने इससे आगे नहीं जाना है, हाई क्लास लो रैंक, और इनकी जो ब्रिंगिंग अप हुई थी, सोशल नॉर्म्स जो चल रही थी, ये सब हमें बतानी है इसमें कि इस वक्त राइटर की सोच में क्या चल रहा था, उसने लोफाकिन के जरिए हमें क्या बताने की कोशिश की है कि लोफाकिन एक ऐसा शख्स है जो चाहता था कि तब्दीली आए और वो इस मौजू के लिए बहुत अरसे से काम कर रहा था, उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फीलिंग्स को इस वजह से लेकर फीलिंग्स में चला गया क्योंकि वो बिजनेसमैन था, उसने नहीं देखा चैरी ऑर्चर्ड को खरीदा, उनकी मौजूदगी में ही दरख्त कटवाने शुरू कर दिया, उसे नहीं लगा कि भाई वो बैठी हुई है मैडम ने मिस की वो रोए बिट्टे की, वो तो पहले नहीं दरख्त कटवाना चाहती थी, ये सारी डिस्कशन इसमें आ जाएगी। हाउ डस वेटिंग फॉर गॉड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड व्हाई,
क्यों अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है वेटिंग फॉर गोडो की और क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। लैंग्वेज का ही ये क्वेश्चन बनता है और आप बताएंगे जनाब जी किसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, राइटर की है, राइटर ने बात की है, राइटर ने कहा है कि एनिमल्स की तो लैंग्वेज ही नहीं होती, हमारी लैंग्वेज है। तो हम जब लैंग्वेज को अप्रोप्रिएट करके यूज करते हैं तो उसने ढके छुपे लफ्जों में भी बहुत कुछ कह दिया। एस्ट्रागन के जितने भी डायलॉग्स आ रहे हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। उसकी एक्सप्रेशन में हमें पता चल रहा है कि वो बात को बड़े जबरदस्त अंदाज में कहकर गया है। कितनी बात थी एस्ट्रागन ने की और वो मैंने आपको टेक्स्ट में बहुत टाइम डिफाइन कर दी। एक्शंस बताए हैं उसने कि एक्शंस शोज होते हैं रेदर देन वर्ड्स। याद है एक्स्ट्रागन इशारा करता है जब वो व्लादिमीर बैकसेट पे जाता है यूरिन के लिए तो वो अपने फिंगर के साथ इशारा करता है, फिर वो इशारा करता है व्लादिमीर जब पोजो से कहता है कि बोलना नहीं है तुम लोगों ने, आवाज़ ना आए, तो फिर वो इशारा करता है कि लकी ने बैग नीचे क्यों रखे, ऐसे इशारे वाली जबान होती है। ये सब आपने बताना है कि ये आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। राइटर ने क्या कहा है, राइटर ने कहा है कि क्वेश्चन मार्क को तो बिल्कुल भूल ही जाओ। क्यों भूल जाओ, याद है लिखी की स्पीच, नो ब्रेक डाउन ऑफ लैंग्वेज, क्यों बोलता ही जाता है और भी अपने आप को गालियां भी देते हैं इस प्ले में। हमें याद है ये खेल खेलते हैं कि हम एक दूसरे को गालियां देते हैं और इसी तरह से ग्रामेटिकल रूल्स को कोई फॉलो नहीं किया गया। इसमें वेग और अनसर्टेन डिफरेंसेस को यूज किया गया है, उसका मूड बताया गया है कि राइटर अपने जनरेशन को क्या दिखाना चाहता है, ट्रेजिक कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू को उठाएंगे। इसके साथ बताएंगे रिपीटेशन की है इसने, अनएबिलिटी टू फाइंड राइट वर्ड्स, उसके पास अल्फाज ही नहीं है, टेलीग्राफिक स्टाइल है उसका, छोटे छोटे लफ्जों में भी वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कह गया। याद है टेलीग्राम एक छोटा सा लेटर होता है जिसको सडन किया जाता है, पंक्चुएशन को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया है, कुछ भी उसने पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाए। और लैंग्वेज हैज लॉट्स lost its function, बताना है अपने जनाब लैंग्वेज अपने फंक्शन खो बैठी है, कोई नहीं वैल्यू बची लैंग्वेज की। लैंग्वेज का मतलब क्या था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना। सारी लैंग्वेज डिफाइन करेंगे, लैंग्वेज के साथ साथ पॉइंट्स डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि जनाब यहाँ पर जो डायलॉग्स की नेचर है ना वो एस्ट्रागन के एक्शन से हमें समझ आती है। वो कहते हैं ना कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा ना जाए, राइटर ने यही किया है कि जो कहने की बात नहीं थी उसने एक्शन के जरिए बताई है। लॉजिकल डिस्कशन दी है उसने, एक्सचेंज किए हैं थॉट्स और डायलॉग्स को भी एक्सचेंज कर दिया है, पर्पसलेस वर्ड बताया है और उसको मोल्ड करके अल्फाज में आर्टिस्टिकली हमारे सामने पेश किया है, तो वो क्या है, वो मास्टर ऑफ द लैंग्वेज है। इसके सारे पॉइंट्स आगे सी की तरफ चलते हैं। एडवर्ड वॉन, ओहो हो, आपकी सी की बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है। आप कह रहे हैं जनाब ये जो सी प्ले है इसको करवा दिया जाए, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि मैं सी का ना असल में टेक्स्ट ढूंढ नहीं पा रही हूँ, मुझे वो मिल नहीं रहा है यहाँ पर। इस पर अगर जाते हैं ना गूगल पे तो गूगल पे सी का टेक्स्ट नहीं आ रहा है, अगर सी का टेक्स्ट गूगल पे मुझे मिल जाए तो मैं इसका टेक्स्ट डाल दूँ। अगर आपको मिलता है तो आप मुझे पेज पे शेयर करें और ग्रुप में शेयर करें तो फिर हम सी का टेक्स्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें प्रेजेंट्स क्या किया गया है, फेलियर ऑफ एनी अटेम्प्ट्स ऑफ रेवोल्यूशनाइज वर्ड। रेवोल्यूशनाइज क्या होता है जनाब, इनकलाबी दुनिया, वो इनकलाबी दुनिया जिसमें इंकलाब आते हैं। कितने कितने इंकलाब आते हैं, इंकलाब आते हैं तो तब्दीली आती है, इसी के साथ उसने इसमें उस तब्दीली को, उस इंकलाब को दिखाने की कोशिश की है। उसने बताया है कि कौन सपोर्ट करता है, कौन रिफ्यूट करता है। कोटिंग देनी है आपने, यहाँ पे कोटेशंस लगानी है तो ड्रामे में से कुछ कोटेशंस निकालनी पड़ेंगी आपको। फेलियर बताता है कि रेवोल्यूशनाइज वर्ड्स की नाकामी की वजह क्या है, सोशल एम्बैरसमेंट बताएंगे जनाब, पोटेंशियल क्रिटिसिज्म करेंगे उनके ऊपर और बताएंगे कि डेथ इज सेंटिमेंटलाइज्ड। याद है पहले सीन में ही बंदा मर जाता है, वो पहले सीन में भी ढूंढता फिर रहा है कि कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे बताए कि क्या बनेगा। यहाँ पर मैं और मेरा फ्रेंड थे, हम दोनों थे, लेकिन हम दोनों कहाँ आ गए, कोई नहीं उसकी बात सुनता। क्रिश्चियन मोरालिटी बताई है, स्ट्रगल फॉर पावर बताई है इस प्ले में, विक्टोरियन ट्रेजिक वर्सेस भी बयान हुई है। ये बिल्कुल मेन पॉइंट्स जो है ना मैंने वो स्क्वीज किए हैं। अनहैप्पी फिगर बताया है ऑफ मैड हैच का, ट्रेजिक सेंटर बताया है, कौन है हमारा ट्रेजिक सेंटर, मिसेस रोज, क्यों बताई है, हालात की वजह से और वो हालात उसके खिलाफ थे। एक्सप्लोइटेशन हो रही है ओल्ड कल्चर की, आयरनी बता रहे हैं, आयरनी वही होती है रिवर्स ऑफ सिचुएशन, या बताया कुछ जाए या आदमी चाहता कुछ हो लेकिन हालात उसके खिलाफ उस बात को ले जाए। ह्यूमन जो है वो क्या करते हैं, उनकी नेचर कैसी है, उनकी थॉटलेस और क्रूअल नेचर है, इसको आपने अंडरलाइन करना है, थॉटलेस एंड क्रूअल नेचर है उनकी।
और उनकी एबिलिटी बता रहे हैं, इमेजिनेशन बता रहे हैं, सेल्फ सपोर्टिंग कर रहे हैं, कल्चर को बड़ा डिफाइन किया है, रिजेक्ट कर देते हैं क्लासिकल नोशंस को, जो पुराने सारे कवायद हैं उनको बिल्कुल रिजेक्ट करके उन्होंने रखना है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन भी हमारा इसी की तरह से आ रहा है। यहाँ पर हमने सारा सी के पॉइंट्स डिफाइन कर दिए, बर्टोल ब्रिशिट की बात चल रही है, रिजेक्ट क्या, आप ये बर्टोल ब्रिशिट क्या रिजेक्ट करें, ये भी रद्द कर रहे हैं क्लासिकल नोशंस को। और ट्रेजिक हीरो, यहाँ पर ट्रेजिक हीरो देखेंगे तो गैलीलियो का कैरेक्टर निकल आएगा, उसकी अनएवेटेबिलिटी दिखाएंगे, स्यूजिंग क्या कर रहा है, वो किस तरह नाकाबिल गुजीर है, और अरोजल ऑफ पिटी एंड फियर है। यहाँ पर चलेंगे जनाब पिटी एंड फियर, कुछ एरिस्टोटेलियन पॉइंट आ रही है, कुछ ब्रिशिट ट्रेजिडी आ रही है, ट्रेजिक इमोशंस क्या है, लाइफ ऑफ गैलीलियो में जाके आपने ये दिखाने हैं। लाइफ ऑफ गैलीलियो हम जानते हैं किस तरह प्ले है, उसके बाद उसकी बताएंगे जनाब, पॉइंट्स देखेंगे हिस्ट्री में से क्यों कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, साइंस आ जाएगी, रिलीजन आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, क्वेश्चंस कौन से उसने रेज किए हैं। फिजिसिस्ट मस्ट चूज लाइफ और डेथ, एक फिजिसिस्ट की बात हो रही है, एक ऐसे शख्स की बात हो रही है जिसको मजबूर किया जाता है, या तो जिंदगी को चुनो या मौत को चुनो, या अपने आप को चुनो, हिमसेल्फ और साइंस, या तो अपने बाप को चुन लो या साइंस को चुन लो, सारी वो जब उसको परेशानियां मिलती हैं तो वो जिंदगी को चुनता है, वो कहता है पहले भी तो मर गए उनको क्या मिला, अगर मैं मर जाऊंगा तो साइंस तो फिर अधूरी रह जाएगी, और अगर वाकई वो मर जाता तो साइंस अधूरी रह जाती, आज साइंस उसकी मर खुलने मिन्नत है। क्रिटिसाइजिंग किया गया है इंस्टीट्यूशंस पर, चर्च पर क्रिटिसाइज किया गया है, उनके कंट्रोल को जो उन्होंने ह्यूमंस पे कर रखा था, और हीरो की कावर्डाइज दिखाई है, हीरो बड़ा मुश्किल दिखाया जी, एरिस्टोटल टोटल का हीरो जो था, एरिस्टोटल के अगर जाए डेफिनेशन में तो वो कहता है हीरो इतना बहादुर, इतना बहादुर हो कि बस वो तो याली कहे और इतना बड़ा पत्थर उठा के वो दे मारे, ये आजकल फिल्मों में देखें अगर वो दूसरी वो तो हीरो को एक बाजू से पकड़ के ये उछाल के मारते हैं, पांच विलन जाके गिरते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। अब इसने कहा कि ऐसा हीरो नहीं होता है, हम इंसान को देख लें, हम इंसान को ऐसा है, आप गिरा सकते हैं पांच लोगों को और एक धर्म से पांव जमीन पर मारे और बाकी मट्टी के साथ साथ गाड़ियां भी उछल के गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। ये ही हमें बर्टोल ब्रिशिट ने बताने की कोशिश की है। उसने कहा है कि इंक्विजिशंस के जो ईवल हर्ट्स थे, और इंडिविजुअल बंदा रह गया था वर्सेस सोसाइटी और इंडिविजुअल वर्सेस अथॉरिटी, ये पूरा करेक्टर आपने उसका गैलीलियो के हवाले से डिफाइन करा, यही नहीं लिख देना कि गैलीलियो बहुत अच्छा, गैलीलियो बहुत प्यारा, गैलीलियो इन साइंस के, नहीं, उसके साथ साथ सोसाइटी की बातें लिखनी, अथॉरिटी की बातें लिखनी। यहाँ पर एक कोटेशन आ रही है, ही इज अ मैन ऑफ द फ्लैश, ही वुड सॉफ्टन एट वंस, ये उसको बताया था जब इंक्विजिशन ने कहा था इसे दिखाओ जरा, वो डराओ इसे दिखा आगे कि वो कैसे तुम्हें जलाएंगे आग में, कैसे तुम्हारी जुबान निकालेंगे, कैसे तुम्हारे नेल खींचेंगे, कैसे तुम्हें तकलीफ देंगे, और जब इसने सारी मशीनरी देखी तो हीरो की जान ही निकल गई, उसने कहा ना 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 मैं नहीं इतनी तकलीफें लेता, और वो जब बाहर आया तो सारे लोगों ने इसे जलील किया। ये गैलीलियो का टेक्स्ट अभी पीछे चला गया सारा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है, उसके बच्चे तक उसको जो स्टूडेंट्स होते हैं बोलते हैं कि भाई तुमने मौत को गिना तरजीह दी, तुम वापस आ गए हो, जो तुम तो हमारे हीरो के दर्जे से गिर गए हो। दूसरी दफा वो कहता है मिस्टर गैलीलियो अंडरस्टैंड मशीनरी, वो डरता है, उसे पता है मशीनरी होती कैसी है, किस किस्म की मशीनरी है, गैलीलियो को ये सब पता है। इसके बाद गैलीलियो का फियर दिखाएंगे, फिजिकल डिस्कम्फर्ट बताएंगे, उसकी नेगेटिव साइड ऑफ द चर्च बतानी है, थीम बताना है इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल का। ब्रिशिट ने बताया है क्लियरली कि मैं डिसएग्री हूँ विद द इंस्टीट्यूशंस, क्यों, क्योंकि उस जमाने में यही हो रहा था, राइटर के साथ भी यही कुछ चल रहा था, ये जो ब्रिशिट थे हमारे, उनके पीछे भी तो वो हिटलर के सारे लगे हुए थे ना कि निकालो इसको, ये हमारे इलाके का नहीं है, उस पर तशद्दुद करो, और ये छुपते फिर रहे थे, ट्रेमेंडियस प्रेशर था इनके ऊपर उस वक्त के कल्चर का, और उस वक्त के कल्चर को इसने डिफाइन किया हिस्ट्री के उस वाक्य के साथ जाकर, और हिस्ट्री का कल्चर हमारे सामने रखा है, और हिस्ट्री के बताया कि भाई अथॉरिटी और रिलीजन उस वक्त क्या करती है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्रिटिकली एलैबोरेट द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जिसने क्वेश्चन कर लिया समझे उसके तो आराम से 25 में से अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं ना तो अगर 12.5 करें तो वो बनते हैं 25, और मैक्सिमम अगर आप 8 नंबर ले लेते हैं एक पोर्शन में से, दूसरे में से 7 ले लेते हैं तो बड़े अच्छे नंबर बन जाते हैं। सेटिंग बताएं, मूड बताएं, स्टेज डायरेक्शंस बताएं, 20th सेंचुरी ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा, जो भी कुछ हो रहा है ये सारे ड्रामा आप डिफाइन कर दें इसमें, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। वेटिंग फॉर गॉडो में क्या हुआ है, गैलीलियो में क्या हुआ है, ये मॉडर्न ड्रामाज हैं, ये दोनों मॉडर्न ड्रामाज में उसने किस किस चीज़ को चेंज किया, एरिस्टोटेलियन से ब्रिशियंस आ गए हैं, वेटिंग फॉर गॉडो में सारी एब्सर्डिटी एग्जिस्टेंशियलिज्म आ गया है, इन दोनों ड्रामास के हवाले से भी डिस्कस करते हैं तो बात बन जाती है। सिंपलिज्म एज ड्रामेटिक डिवाइस इन चैरियोट, चैरियोट में जो भी चीजें इस्तेमाल की गई हैं उनकी अलामतें क्या थी, सबसे पहले तो चैरी की अपनी क्या अलामत बनती है वो बताएं,
लव हकिंग की घड़ी को देखने की क्या अलामत है वो बताएं। अब जो हमारी वो दुनिया शाह है वो अपने आप को मेकअप करती है, शीशे में देखती रहती है, अलामत है उसकी भी एक, वो बताएं। यूपिको डो गिटार से खेलता रहता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सिम्बोलिजम्स होते हैं कि भाई राइटर इनके जरिए हमें बताना क्या चाह रहा है। ऑफ स्टेज जो प्ले हो रही है, ऑन स्टेज जो बातें हो रही हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इन पे भी हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने अभी ये 2019 का पेपर डिस्कस किया, 2018 में इसके मज़ीद पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।